हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटोस फ्राइज और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है और ये बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पर हमने इसको डीप फ्राई नहीं किया है, ये हमने एयर फ्रायर में बनाया है। तो ये बहुत ही हेल्दी फ्राइज है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की तो ज़रूर कीजिए, और ये छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। और हेल्थ के लिए भी स्वीट पोटैटोस बहुत ही अच्छे रहते हैं, आप इसको फास्ट में भी खा सकते हैं। तो फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लार्ज पोटैटो ले लिया है। ये हमको थोड़ा अच्छा स्ट्रेट देखकर ही लेना है, क्योंकि कट करने में हमको इजी रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अच्छे से पील कर लेंगे। तो बस इसको अच्छे से हम पील करके इसको हमको अब कट करना है। तो हम फ्राइज के शेप में इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। इसको ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है। यहाँ पर अब हम 1/4 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑयल हमको इसमें बहुत ही कम डालना है। ऑलिव ऑयल का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और ऑलिव ऑयल हेल्दी भी रहता है। तो बस हम इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, और यहाँ पर हम आधा चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चाट मसाला आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे। गार्लिक पाउडर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गार्लिक पाउडर भी हमने एयर फ्रायर में ही बनाया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही इसको रख देंगे, ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो आफ्टर 15 मिनट्स ये देखिए, इसका पानी जो है एक्स्ट्रा निकल गया है। अब इसको हम ड्रेन कर देंगे, क्योंकि हमको इसको जितना पानी निकल जाए उतना अच्छा है। तो देखिए बस इस तरीके से। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो एयर फ्रायर, उसको सेट कर देंगे 360 फ़ारेनहाइट पर 10 मिनट्स के लिए। और अगर आपके एयर फ्रायर में प्रीहीट का ऑप्शन नहीं है, तो सेम टेम्परेचर पर 2 मिनट के लिए पहले इसको प्रीहीट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हमारा एयर फ्रायर प्रीहीट हो गया है। तो अब हम इसमें फ्राइज को डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे, ताकि सभी फ्राइज अच्छे से पक जाएं। आफ्टर 10 मिनट्स ये देखिए, हमारी फ्राइज बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इन हमको चाहिए कि थोड़ा सा, अगर हमको क्रिस्पीनेस और चाहिए तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे सिर्फ 1 मिनट के लिए सेट कर दें। 1 मिनट में इसमें अच्छा कलर और क्रिस्पीनेस आ जाएगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन हमको नहीं करना है, उससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। बस यहाँ पर हम एयर फ्रायर को सेट कर देंगे 375 फ़ारेनहाइट पर 1 मिनट के लिए। आफ्टर 1 मिनट ये देखिए, हमारी डिलीशियस फ्राइज बिल्कुल रेडी है। इसको गर्मा गर्म सॉस के साथ में सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को भी दीजिए। और ये आप छोटे बच्चों को इवन 6 मंथ के बाद भी आप ये फ्राइज दे सकते हैं, क्योंकि स्वीट पोटैटोस बहुत ही हेल्दी रहता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।